वॉचिंग प्रणाम मित्रों। आज एक CSS का मैं एनिमेशन आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पल्स बटन एनिमेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे CSS में अपने प्रोजेक्ट में कभी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर VS Code में गया और एक मैंने फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा .html। ठीक है, तो index.html ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नहीं, इसको बंद करते हैं और एक यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इस फाइल पे मैं बना लेता हूँ एक फाइल जिसका नाम रखा मैंने index.html। ठीक है, तो index.html के लिए मैंने तैयार किया और यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्लेट तैयार किया। बॉयलर प्लेट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि HTML का एक बॉयलर प्लेट हमारे सामने तैयार हो गया। चलिए, अब मुझे इसमें करना क्या था, करना ये था कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ CSS एनिमेशन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम नोटिफिकेशन करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए इस एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CSS एनिमेशन मैंने लिखा। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे एक बटन बनाना है, उस बटन पे एनिमेशन देना है। तो मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, और बटन पे मैंने क्या किया, वैल्यू लिखा और लिखा क्लिक मी। ठीक है, ये एक मैसेज दे दिया और बटन को बंद कर दिया। बनता है कि इस बटन को मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी नॉर्मली रन कराता हूं तो ये मेरा कोड जो है लाइव सर्वर पे कुछ इस तरीके से रन होगा। ठीक है, सिंपल सा कोड है और ये मेरा लाइव सर्वर रन हो गया और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, बस क्लिक मी लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें एनिमेशन कैसे दूंगा, तो मैं क्या करता हूं उसको हटा देता हूं। अब ये देखिए एनिमेशन कैसे देते हैं, तो एनिमेशन देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे स्टाइल टैग यूज करूंगा और स्टाइल आने के लिए क्या किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखनी पड़ेगी। तो क्लास लिखने के लिए मैंने कहा कि ये मेरा जो है पल्स एनिमेशन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, जैसे ब्लिंक करता है पल्स हमारी चलती है वैसा ही है, इसलिए मैंने इनका नाम रखा पल्स एनिमेशन। तो मैंने लिखा पल्स बटन, एक एनिमेशन लिखा और कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, एक क्लास बनाया जिसका नाम है पल्स बटन। इसका बैकग्राउंड मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने दे दिया ब्लू कलर। ठीक है, तो मैंने ये कलर ले लिया ब्लू कलर। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो लिखा रहे टेक्स्ट हो उसका कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया, तो कलर यूज़ किया और कलर में लिख लिया वाइट। ठीक है, तो वाइट कहाँ है, वाइट लिख देता हूँ, बटन पे मैंने कलर लगा दिया वाइट। अब इस पर देखते हैं इससे क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास है इस क्लास को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा विद हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड, एंड क्लास कीवर्ड में नाम क्या है, पल्स बटन। तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखा पल्स डैश बटन। ठीक है, अच्छा, इतना करने से क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ये क्लिक मी एक बटन बन गया, लेकिन ये पल्स जैसा नहीं चल रहा है। तो काम करते हैं, इस पर एक बॉर्डर आ रहा है, उस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ पहले। तो मैंने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर नन, यानी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। तो देखिए इससे क्या हुआ, ये देखिए आपका बॉर्डर जो आ रहा था वो गैप हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग मतलब कि स्पेस दे देता हूँ बॉर्डर के बाद। मैंने पैडिंग दिया और पैडिंग में मैंने कहा 12 पिक्सल पैडिंग एंड लगभग 24 पिक्सल पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, तो चलिए भाई, दो पैडिंग हमने दी लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम के लिए। ठीक है, ये हमारी पैडिंग हो गई। इससे फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा ये मिला, देखिएगा ज़रा, ये हुआ तो बटन आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। अब क्या करेंगे, फॉन्ट साइज अगर आपको चाहिए तो फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे थोड़ा सा कंटेंट बड़ा हो जाए। तो मैंने रख दिया 20px। तो देखिए ज़रा इससे क्या होगा, ये क्लिक मी बड़ा सा लिख के आ गया। अब मैंने इस पे चारों तरफ, मुझे बॉर्डर चाहिए था, इसके चारों तरफ को रेडियस को बढ़ाना था, मैं चाहता हूँ कॉर्नर हो जाए। यहाँ पर देखिए कॉर्नर अगर लाना है, इसको कॉर्नर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में मैंने क्या लिखा, मैं लिख दिया 10px, 10px का मैंने बॉर्डर दे दिया। तो देखिए ज़रा 10px का बॉर्डर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे होगा क्या, सिर्फ इससे क्या होगा, एनिमेशन हो, मतलब अभी तो क्या हुआ, केवल कंटेंट डिज़ाइन हुआ है। अब इसमें मुझे क्या करना है, पल्स देना है, पल्स मतलब जैसे कि हार्ट बीट हमारी ब्लिंक करती है, सिर्फ उसी तरीके से इसको देना है, यानी मेरी पल्स जैसे चलती है वैसे ही मुझे इस बटन को एनिमेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एनिमेशन लिखूँगा और एनिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम। क्या यूज़ करते हैं, की फ्रेम, और की फ्रेम के बाद हम लेते हैं नाम। ठीक है, तो की फ्रेम्स यहाँ पर यूज़ किया और की फ्रेम्स के बाद यहाँ पर हमने नाम लिखा, देखिए ज़रा यहाँ पर लिख दिया उसका नाम पल्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पल्स। ठीक, यानी पल्स जैसा मूवमेंट हो। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पल्स में क्या होता है कि आपके पास परसेंटेज होती है कितने से कितने तक चलाना है। तो मैंने कहा 0% पर
0% पर क्या हो, ये ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है स्केल, स्केल क्या करता है, थोड़ा सा स्केल मतलब बढ़ाने के लिए होता है। तो मैंने कहा 100 रहे, 1 का मतलब 100%, 0 पर 100%, लेकिन जब 50% पे आए यानी जब ये बढ़ जाए थोड़ा सा आगे बढ़े 50% पे यानी बीच में, तो बीच में क्या हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म और स्केल, स्केल में मैंने कहा 1.2 हो जाए। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या मतलब है इसका, यानी 120% हो जाए, इसका मतलब ये हुआ 1 का मतलब 100, अब 120% का मतलब क्या है, अब आपको 120% मतलब यानी जो भी है उससे 20% एक्स्ट्रा यानी थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब बात आती है कि 50% के बाद 100% आएगा यानी फाइनल स्टेज आएगी। फाइनल स्टेज में क्योंकि ब्लिंक जब होता है तो आपको पता है कि ऐसे चलेगा, एक ये हुआ कर फिर यहाँ पे, तो पल्स कैसे काम कर रहा है, ये रहा 0, 0 से ऊपर गया 50, 50 से नीचे नीचे जाएगा 100, इस तरीके से वो क्या करेंगे, पल्स चलेंगे। तो मैंने लिखा 100 और यहाँ लिखा ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में क्या लिखा स्केल। ठीक है, तो फिर मैंने उसको कहाँ पहुँचा दिया, 1 पे पहुँचा दिया, यानी लास्ट मुझे फिर से पहुँचा देना था। मैंने क्या बोला कि पल्स कैसे चलेगी, कुछ इस तरीके चलेगी कि ऐसे गया तो स्टार्ट कैसे हुआ यूं, और यहाँ जाने के बाद ऐसे गिरा, तो इसका मतलब स्टार्ट 1 पे था तो ये जाएगा 1.5 एंड देन क्या होगा 1 पे आके स्टार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, हमारा एक एनिमेशन छोटा सा तैयार हो गया। चलिए तो इसको देखते हैं क्या होगा इससे, अभी कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये कि एनिमेशन तो लग गया, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बनाया है हमने वो क्या है, फ्रेम है। अब इस फ्रेम को मुझे यूज़ करना है, तो फ्रेम को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, किस पे लगाना है इस फ्रेम को, पल्स को, एनिमेशन को मुझे लगाना है बटन पे। तो मैं लिखूँगा एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी दी जाती हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, कौन सा पल्स है, फिर कितने ड्यूरेशन पे, फिर टाइम फंक्शन क्या है, उसका डिले कितना है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ लिखा एनिमेशन और यहाँ बताया क्या हो, पल्स, पल्स को चलाना है, कितनी देर बाद चलाना है, 1 सेकेंड बाद चलाना है, और कितनी देर के लिए चलाना है, कितनी बार चलाना है, तो मैंने कहा इनफाइनाइट टाइम चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पल्स है यानी इसी कोड को मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 सेकंड में कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ये ड्यूरेशन है कि ये जो कोड है पल्स एनिमेट होगा 1 सेकंड के लिए और कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो देखिए जरा ध्यान से, ये आपका एक एनिमेशन ओपन हो गया। तो ध्यान से देखिए, जब नीचे जा रहा है तो ये 1 है, जब ऊपर आ रहा है तो 1.2 है, और जब नीचे जा रहा है तो फिर 1 हो रहा है, इसे बोलते हैं पल्स एनिमेशन। तो आई होप इसको आपने इंजॉय किया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, 1 लाइक तो कम से कम बनता है, और आपको जो चीज़ समझ में आए आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये था पल्स का कोड, और पल्स कोड में अगर मैं इसको आपको कोड समझाऊं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्म एक एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहा है, ये तो बेसिक आपकी डिज़ाइन दे रहा है, ये पूरा बेसिक डिज़ाइन दे रहा है, एंड देन लास्ट में क्या है, मैंने की फ्रेम लगाया, की फ्रेम में मैंने लिखा उसका नाम पल्स, एंड पल्स के बाद लिखा 0%, 0% मैंने कहा कि स्केल, स्केल मतलब आगे बढ़े कितना परसेंट, 1 यानी उतना ही रहे, लेकिन जब 50% पहुंचे यानी मिड में पहुंचे तो 1.2 हो जाए। अब आपको इसको और ऊपर ले जाना है यानी आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से 1.5 करेंगे, देखिए जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, तो हार्ट बीट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट आपको क्या करना है यहाँ पे 1.5 की बजाय ये 1.2 ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव आपको लग रहा है, तो अपने प्रोजेक्ट में इसको ज़रूर यूज़ करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।